लेकिन आप इस शौर को जरूर घर में रखेंगे हमेशा। याद करो जिसमें आपका साथ होगा। लेकिन जो हमारे SDPO साहब है, मैं अभी तो पिक्चर बाकी है। इसी गर्ज के बगैर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, सस्पी बन जाएंगे। और मैं इस गर्ज से इनके साथ रिश्ता जोड़ना चाहता हूँ, दिल का रिश्ता। और इंशाल्लाह मेरा और इनका दिल का कोशिश करूंगा कि ये दिल का रिश्ता रहते हैं। और इनका जो अवाल है, ये अपने अवाल में सेहत सलामत की रहमत हमेशा। शुक्रिया अदा करते हैं कि वो यहाँ पर आपके खुशगुजार करना चाहता हूँ। मीडिया एंड क्विट्स नाम की आम जनता, मैं एक एग्जाम्पल दूंगा, आई होप यू अंडरस्टूड दैट। अगर एक बंदा बड़ी मेहनत से एप्पल के बाग बना, एप्पल ऑर्चर्ड बना, ठीक है, जिस बंदे का इंटरेस्ट इस बाग की खूबसूरती के साथ मुंसलिक होगा, वो हमेशा इस बाग के तहफ्फुज के लिए काम करेगा, राइट। इरेस्पेक्टिव कि ये बाग किसका है, डॉक्यूमेंट्स किसके नाम पे है, इरेस्पेक्टिव कि इसको पानी कौन देता है। अगर कोई बंदा इसको पानी फिजिकली नहीं दे सकता, लेकिन तो उसके दिल में हमेशा ये अरमान रहता है कि वो ऐसा कोई काम करे जिससे बाग में खूबसूरती दुगनी हो। इसी तरीके से अनंतनाग की पब्लिक, आम लोग, हमारे मुल्क का तहफ्फुज़, हमारे मुल्क की खूबसूरती, हमारे अनंतनाग की खूबसूरती, हमारे अनंतनाग का इर्तिका, हमारे अनंतनाग का उरूज, हमारे लोगों का तहफ्फुज़, हमारे लोगों की खूबसूरती और हमारे समाज की जो होलिस्टिक खूबसूरती है, इसके साथ जिस किसी इंसान का इंटरेस्ट मुंसलिक होगा, वो हमेशा इसकी बेहतरी के लिए, इसकी बहबूदी के लिए, इसके उरूज के लिए, इसके इर्तिका के लिए काम करेगा। चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो आम जनता हो, चाहे वो कोई और हो, जो भी चाहेगा कि हमारा मुल्क तरक्की करना चाहिए, जो भी चाहेगा कि हमारे मुल्क का इर्तिका होना चाहिए, हम और तरक्की की मंजिलों को हासिल करना चाहिए, जो भी चाहेगा कि अनंतनाग एज ए डिस्ट्रिक्ट और अनंतनाग के लोग उरूज पे पहुंचे, डेवलपमेंट की उरूज पे पहुंचे, उसके लिए जो माहौल साजगार होना चाहिए, उसके लिए जो इकोसिस्टम ऑफ वर्ल्ड कल्चर होना चाहिए, वो सारे लोग आपस में तालमेल करके काम करें। जहां तक अनंतनाग जर्नलिस्ट एसोसिएशन की बात करें, आप लोगों का बदा व मंशा यह है कि अनंतनाग की खूबसूरत जगह रहे, अनंतनाग में टूरिस्ट का आना जाना रहे, अनंतनाग के रोड इससे ज्यादा खूबसूरत बने, अनंतनाग के जो यहाँ पे बिजनेस हब है उनका काम करने का तरीका विदाउट एनी इंटरप्रिटेशन इंटरप्शन रवान दवा रहे। तो आप लोग हमेशा उन लोगों के साथ साथ करेंगे, चाहे वो पुलिस हो, चाहे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे वो कोई स्टेट हो, आप हमेशा उनके साथ चलेंगे, कदम ब कदम साथ चलेंगे, ताकि ये खूबसूरती में जिस चीज का कंट्रीब्यूशन है उसको वो एटमोसफियर को काम करने का तरीका दायम रहे। तो जब हम कहते हैं कि जर्नलिस्ट और पुलिस ने मिलकर काम किया, ये कोई यूनिक बात नहीं है, इट मस्ट बी आर नॉर्मल वर्क, यानी जो हमारे आम फहम जिंदगी का काम करने का तरीका है वो यही होना चाहिए। जर्नलिस्ट इज पुलिस, जर्नलिस्ट इज सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि हमारा मुल्क एक है, हमारे मुल्क का तहफ्फुज हमारी प्राइम रिक्वायरमेंट है, हमारे यहाँ पे जो पीसफुल एनवायरमेंट को बरकरार रखना हम सबका एक कॉमन मकसद है। इसलिए आपको और हमारा कार्यकर्ता हमेशा साथ रहा था, साथ रहा और आगे के साथ इंशाल्लाह रहेगा।